हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी ने 209 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है दिखाया है फ्रेंड्स आज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने थे उससे पहले ही ये शेयर आज मॉर्निंग से ही लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने एक ड्रीम रन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में या कुछ महीने में इन्वेस्टर को दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वार्टर थ्री पर सबकी नज़र थी तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्यू थ्री के बाद अब स्टॉक की चाल आगे कैसे रह सकती है क्या लोअर सर्किट में खरीदने का मौका बन रहा है या फिर स्टॉक का जो है टॉप बन चुका है और गिरावट का दौर जारी रहेगा डिटेल में जो है अब स्टॉक के वैल्यूशन्स कैसे लग रहे हैं फ्यूचर आउटलुक क्या है इस बारे में डिटेल में हमने इस वीडियो में बात करी है फ्रेंड्स ये स्टॉक लगभग आठ नौ गुना बढ़ चुका है लास्ट ईयर इसका रेट आठ रुपए के आसपास था इवन ये स्टॉक आठ रुपये के आसपास हमने ही अपने चैनल पे एक बार डिस्कस किया था वहां से लगभग दस गुना से ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका है और सत्तर के आसपास का जो है इसने हाई बनाया है आज इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला है और आज इस स्टॉक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आए हैं पहले रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लगभग उन्नीस करोड़ की सेल आई है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है सोलह करोड़ की थी लास्ट क्वार्टर में और पिछले साल इसी क्वार्टर में बारह करोड़ की थी यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग लगभग 50 परसेंट का भारी भरकम जंप सेल्स के फ्रंट पे देखने को मिला है और क्वार्टर एन क्वार्टर भी सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है वैसे तो टेक्सटाइल कंपनी सारा ही कंपनीज बहुत बढ़िया कर रही हैं और सेल्स के फ्रंट पे टाइडेंट के रिजल्ट भी बहुत शानदार हैं हालांकि मार्जिन्स के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है लगातार बढ़ रही है और सारे टेक्सटाइल कंपनीज के मार्जिन पर यहां दबाव देखने को मिल रहा है प्रॉफिट दो सौ नौ करोड़ रुपए के आसपास आया है पिछले साल इसी क्वार्टर में एक सौ साठ करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट क्वार्टर सितंबर में दो सौ उनतीस करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था हालांकि इस प्रॉफिट में पच्चीस करोड़ के आसपास का जो है एक्सेप्शनल लॉस भी है ऑपरेटिंग फ्रंट पे तीन सौ छः करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में भी था इस साल भी सेम है तो प्रॉफिट जो है लास्ट क्वार्टर के आसपास ही आया है और हाँ वाई ऑन वाई बेसिस पे एक जबरदस्त जम प्रॉफिट के फ्रंट पर भी देखने को मिली है फ्रेंड्स ओवरऑल ये रिजल्ट ठीक हैं अच्छे कहलाए जाएंगे और सेल्स में जो बढ़त है वो काबिल तारीफ़ है शानदार है टेक्सटाइल स्पेस में एक जबरदस्त डिमांड एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक दोनों फ्रंट पे देखने को मिल रही है और सारे ही टेक्सटाइल शेयर्स में एक जबरदस्त मूव भी देखने को मिला है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्जिनस पर थोड़ा प्रेशर है पर गोइंग फॉरवर्ड जो है मार्जिनस यहाँ पर सुधरेंगे फिनेंस कॉस्ट भी इस बार कंपनी की थोड़ी सी बढ़कर आई है पर कंपनी लगातार डेट कम कर रही है तो आने वाले समय में मार्जिन जो है कंपनी के इम्प्रूव होने चाहिए बयालीस पैसे के आसपास का ई जो है इस क्वार्टर में आया है और नाइन मंथ्स जो कंसोलिडेटेड डीपीएस है वो लगभग एक रुपये अट्ठाईस पैसे के आसपास है चौंसठ रुपये के आसपास इस शेयर की आज की क्लोजिंग है जहां पर इसकी मार्केट कैपिटल तैंतीस हज़ार करोड़ के आसपास बैठती है और स्टॉक जो है लगभग अगले बारह महीने ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ की अर्निंग्स की बात करूं तो वो डेढ़ के आसपास हो सकती है और वहाँ के पचास के आसपास पे स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है तो फ्रेंड्स स्टॉक के वैल्यूएशन सिक्स टेक्सटाइल कंपनी के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं दो ये कंपनी एक ऑंग्लोमेरिट है कई सारे इसके बिजनेस वर्टिकल्स हैं पर मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू इनका टेक्सटाइल बिजनेस से ही आता है और वहां पर फ्रेंड्स इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पिछले टाइम में चेंज हुए हैं अनडाउटेडली मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है डेट के फ्रंट पे जो है डेट कम करी है और फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हुए हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी लगातार इम्प्रूव हो रही है पर वो सारी चीजें इस रेट में फैक्टर्ड इन है फ्रेंड्स स्टॉक काफ़ी महंगे वॉल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है पचास के आसपास के ट्रेडिंग ट्वेल्व मंथ पे तो एटलीस्ट यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी का मौका तो नहीं बनता है ये स्टॉक वैसे तो तैंतीस करोड़ की एक बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है पर यहाँ पर फ्रेंड्स जिस तरह से स्टॉक की चाल है ये पैने स्टॉक की तरह बिहेव करता है पहले ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था तब से इसका टिकट साइज छोटा हो गया था लिक्विडिटी काफी है स्टॉक में तो सर्किट टू तो सर्किट मूवमेंट देखने को मिलता है आज लोअर सर्किट लगा है हो सकता है फ्रेंड्स आने वाले कुछ सेशंस में लोअर सर्किट कंटिन्यू रहे और नीचे के लेवल आपको देखने को मिले पूरे चांसेस हैं कि पचास के नीचे ये स्टॉक जो है ट्रेड करे क्योंकि अभी वॉल्यूशन बहुत स्ट्रेच्ड हैं और रिजल्ट जो है इन लाइन है यहाँ पर ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं है कि जिसके फ्रंट पे स्टॉक यहाँ से रीरेट करे और जो अच्छी चीज़ें ट्राइडेंट के अंदर हैं वो सारी के सारे इस प्राइस में फैक्टर्ड हैं तो फ्रेंड्स लोअर सर्किट में जो है बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें अगर नीचे के रेट से कोई लेके बैठा है सात रुपये आठ रुपये दस रुपये अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक बार फिर भी होल्ड कर सकता है उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में पर फ्रेश खरीदारी अगर इन लेवल पर आप करते हैं तो बिल्कुल भी आपको लॉस होने के पूरे चांसेज और यहाँ पे स्टॉक्स में काफ़ी नीचे के लेवल्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और पूरे चांसेस है कि अभी लोअर सर्किट का ट्रेंड कंटिन्यू रहे और पचास रुपये से नीचे का लेवल जो है स्टॉक यहाँ से दिखाए फ्रेंड्स इस स्टॉक में जब पचास रुपये से नीचे का लेवल देखने को मिलेगा तो एक बार फिर फंडामेंटल्स को रिव्यू करेंगे वैसे अभी के हिसाब से वैल्यूशन अभी भी एक्सपेंसिव हैं और एक सब्सटैशियल करेक्शन आ जाए तो उसके बाद ही एक रिव्यू ट्राइडेंट में बनता है फिलहाल तो जो है अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख सकते हैं फ्रेश एंट्री इन लेवल पर बिल्कुल अवॉइड करें इवन आप ये भी मत सोचें कि एक दो सर्किट के बाद लेने के लिए बनेगा अभी सब्सटेंशियल करेक्शन इसमें आ सकती है यानी कि लोअर सर्किट का ट्रेंड अगले चार पांच छह सेशन हो सकता है पूरे वीक कंटिन्यू देखने को आपको मिले और काफी नीचे के लेवल ट्राइडेंट में आपको देखने को मिले फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो फ फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आपके अपने चैनल इज माइ इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू